नमस्कार। चुनाव क्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, क्या बीजेपी हरियाणा में अपना किला बचा पाएगी? क्या पिछली बार की तरह वो 10 में से 10 सीटें जीत सकेगी? क्या मोदी शाह की नई रणनीति कारगर साबित होगी? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उत्तर भारत में अगर बीजेपी की हालत सबसे ज्यादा कहीं खस्ता है तो वो हरियाणा है। प्रदेश में सत्ता के खिलाफ जबरदस्त जनाक्रोश है और ये सत्ता विरोधी लहर में तब्दील होता दिख रहा है। सत्ता विरोधी लहर की वजह भी जग जाहिर है। सबसे बड़ी वजह तो किसान आंदोलन है। किसान आंदोलन को कुचलने के लिए खट्टर सरकार ने हर हथकंडा आजमाया था, तमाम तरह की ज्यादतियां की थी। किसान अब चुनाव में हिसाब चुकता करने के मूड में है। दूसरे, अग्निवीर योजना के खिलाफ भी बहुत गुस्सा है। हरियाणा में बेरोजगारी भी चरम पर है, इसलिए नौजवानों की मार भी बीजेपी के सिर पर पड़ेगी ही। इसके अलावा दूसरे भी बहुत से मसले हैं जो जाति और धर्म से जुड़े हुए हैं। मोदी ने इन सब से निपटने के लिए ठीक चुनाव के पहले मुख्यमंत्री बदल दिया, लेकिन क्या इससे लोगों का गुस्सा शांत हो गया होगा? उन्होंने दूसरा काम यह किया कि कांग्रेस के कद्दावर नेताओं को पार्टी में शामिल करके टिकट दे दिया। रणजीत चौटाला, नवीन जिंदल और अशोक तंवर ठीक चुनाव के पहले बीजेपी में शामिल हुए और उन्हें फौरन टिकट दिया गया। कांग्रेस के बाद टीएमसी और फिर आम आदमी पार्टी में रहे अशोक तंवर को मोदी ने सिरसा का टिकट दिया है। तंवर इसी साल 20 जनवरी को अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी ने कभी कांग्रेस ही रहे अरविंद शर्मा को एक बार फिर से रोहतक से चुनाव के मैदान में उतारा है। 2019 में उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को हरा दिया था। अरविंद शर्मा ने पिछली बार रोहतक सीट बहुत ही कम अंतर से जीती थी, केवल 7,503 वोटों से। इसी तरह राव इंद्रजीत और धर्मवीर सिंह 2014 से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे और पार्टी ने पिछले 2 लोकसभा चुनाव में इन्हें टिकट दिया था। बीजेपी ने दोनों को तीसरी बार मौका दिया है। अब सवाल उठ रहा है कि जनता इन दल बदलुओं के साथ क्या बर्ताव करेगी, उन्हें सजा सुनाएगी या ताज पहनाएगी। ये भी एक बड़ा सवाल है कि 60% टिकटें दल बदलुओं को बांटने का बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर क्या असर पड़ रहा होगा और वे इस चुनाव में क्या भूमिका निभाने जा रहे हैं। फिर जेजेपी का फैक्टर भी है। गठबंधन से अलग होने के बाद ये पार्टी बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाएगी या फायदा पहुंचाएगी, ये भी देखना है। हमारे साथ हरियाणा की जमीनी हकीकत को जानने समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार जगदीप संधु हैं। तो आइए उनसे इन दल बदलू कैंडिडेट्स के बारे में बात करते हैं, इनकी संभावनाओं के बारे में बात करते हैं। आपका प्रोग्राम में स्वागत है जगदीप जी। मेरा पहला सवाल तो ये है कि एक मोटे तौर पर इन दल बदलू कैंडिडेट को लेकर हरियाणा में क्या परसेप्शन है, क्या धारणा बनी है, किस तरह से इनके बारे में चर्चाएं हो रही है? रतल पे अभी जो चर्चाएं चल रही हैं उनमें लोगों का इनके प्रति कोई सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है और ज्यादातर लोग ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा बोल रहे हैं कि ये वही घूम फिर के आगे फिर आ जाते हैं, कभी इस पार्टी से कभी उस पार्टी से। अब के हम अपनी तरह से देख के आगे वोट करेंगे क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको पहले हमने जिताया था कांग्रेस से हमारे लिए काम करने के लिए, लेकिन जब इनके काम नहीं हुए तो ये दोबारा अब रूप बदल के दूसरी पार्टी में आ गए हैं। तो अब देखेंगे कि इनको हम नहीं उस तरह से समर्थन मिलता दिख रहा, जो धरातल की वास्तविकताएं ऐसी दिखाई देने लगी है जी। और एक मोटे तौर पर प्रदेश में हवा क्या है, किस तरह से माहौल है? जैसे मैंने कहा कि एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हरियाणा में हम पिछले चुनाव में भी देख रहे थे, विधानसभा चुनाव में भी किसी तरह से बीजेपी बहुमत के करीब भी नहीं पहुंच पाई, उसे किसी जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ी और फिर अंत में वो सरकार से हट भी गए, फिर तोड़ फोड़ कर उन्होंने अपनी सरकार बचाई। तो ये पूरा माहौल है वो कैसा है? देखिए जी, जो अभी संकेत आ रहे हैं अलग अलग जगह से, वीडियोस आई हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा सबसे पहले की और वो अपने चुनाव के लिए अपने चुनावी क्षेत्र में जाने लगे और जैसे जैसे वो चुनावी क्षेत्र में उनकी गतिविधियां बढ़ी तो हर जगह से
विरोध के स्वर उठने लगे और ग्रामीण क्षेत्रों के बहुत सी जगह विरोध हुए, ग्रामीणों ने उनसे सवाल पूछे, कई जगह प्रदर्शन हुए, काले झंडे दिखाए जाने लगे। और ये अगर हम बात करें सोनीपत में, जींद इलाके में, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, सिरसा में तो एक दिन के लिए उनको अपना चुनाव प्रचार भी रोकना पड़ा, विरोध इतना था। इसी प्रकार से हिसार में भी इस प्रकार के चीजें सामने आई, जिसमें उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को वहां गांव से जाना पड़ा। इसी प्रकार के अलग अलग जो संकेत आ रहे हैं वो महेंद्रगढ़ नारनौल से भी आ रहे हैं, वहां भी लोगों के प्रतिक्रियाएं किसानों की, ग्रामीणों की इस प्रकार है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पूरे हरियाणा में अब के परिवर्तन की ऐसी संकेत मिल रहे हैं कि जनता बहुत ज्यादा नाराज है, और मुख्यमंत्री के बदले जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कुछ ज्यादा भरोसा लोगों का अब नहीं रहा, क्योंकि और जहां तक जेजेपी के साथ गठबंधन की बात थी तो उसको भी लोगों ने नकार दिया है और जेजेपी को भी नकार रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बीजेपी के सामने चुनौती बहुत कड़ी है, एक सत्ता विरोधी लहर की संभावना भी आप देख रहे हैं। जी बिल्कुल, कड़ी चुनौती है, गंभीर चुनौती है। और आप देखिए कि किसान आंदोलन के चलते, पहले किसान आंदोलन में और दूसरे किसान आंदोलन में हरियाणा में जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन के द्वारा किसानों को दमन किया गया, अनदेखी की गई, उनकी मांगों का कोई समाधान नहीं हुआ, और अभी अभी जो फसल आ रही है उस फसल की खरीद के लिए भी किसान जिस तरह से परेशान रहे हैं, मुआवजों को लेकर जितना से अलग अलग क्षेत्रों में किसान परेशान रहे हैं, तो ज्यादातर ग्रामीण बहुल इलाके हैं सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के, और उनमें ज्यादातर मतदान मतदाता 80% से ज्यादा मतदाता ग्रामीण क्षेत्रों से, तो उस तरह से वो प्रतिक्रियाएं ग्रामीण क्षेत्रों से स्पष्ट तौर पर धरातल पे आ रही है। हम एक एक सीट लेकर चलते हैं। अब पहले लेते हैं कुरुक्षेत्र को, जहां पर नवीन जिंदल जो कांग्रेस में रहे लंबे अरसे तक और ऐन चुनाव के पहले वो उन्होंने पाला बदला और उन्हें एक दिन बाद टिकट भी दे दिया गया, का उम्मीदवार बना दिया गया, उनकी स्थिति कैसी लगती है? हम सब जानते हैं कि जिंदल के खिलाफ बहुत सारे मामले चल रहे हैं CBI ED के, और ये भी कहा जाता है कि वो दबाव में गए हैं या अपने बचाव में गए हैं, ये उन्होंने समझौता किया है, वहां उनकी स्थिति कैसी है? ये सीट आपके खाते में गई है जो आप और कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ है उनके बीच में, तो आपके शायद सुशील गुप्ता यहाँ से कैंडिडेट है, तो इस कंस्टिट्यूंसी के बारे में आपका असेसमेंट क्या कहता है? देखिए मुकेश जी, यहाँ 9 विधानसभा है, इसमें वर्तमान में 4 भाजपा के विधायक हैं, 2 कांग्रेस के हैं और 2 जाजपा के हैं, 1 निर्दलीय उम्मीदवार है। जाजपा वाले भी अब जिस प्रकार से परिस्थितियां हुई हैं उनका भी कोई आधार ज्यादा बचा नहीं है, तो कह सकते हैं कि यहाँ बराबर में 4 कांग्रेस की सीट हो सकती है और 4 ही भाजपा की, 1 निर्दलीय है, वो निर्दलीय भी भाजपा के पक्ष के ही ज्यादातर झुकाव रखते हैं। अब रही बात यहाँ के जातीय समीकरण की, तो जातीय समीकरण में जो सैनी समाज है, जो सिख समाज है, वो बड़ा समाज है और वो निर्णायक वोट है, वो अब कृषि से संबंधित है तो वहाँ उनका जो प्रतिरोध है वो वहाँ है। जहां तक कुरुक्षेत्र की बात है, वहाँ बनिया और पंजाबी समाज वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और जाट बहुल सीट भी है, और इनेलो के अभय सिंह चौटाला भी वहां अपना भाग्य आजमा रहे हैं। अभी तक कांग्रेस ने और दूसरी किसी पार्टी ने जो है उसमें आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी के जो सुशील गुप्ता है उनकी स्थिति काफी अच्छी और बेहतर बताई जा रही है, क्योंकि वो एक इलाका है जहां लोगों का रुझान आम आदमी पार्टी के प्रति पहले रहा है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ बड़ी कठिन परिस्थितियां हैं। और जहां तक नवीन जिंदल का सवाल है, नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्रा ने 2 बार पहले चुना है, सांसद बनाया था, लेकिन अब की बार जो सांसद वो बने आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहे हैं, तो लोगों में उस तरह से उनकी स्वीकारोक्ति वो नहीं रही जो पहले थी, तो ये उनके लिए एक बहुत कठिन चुनौती होने वाली है। और मुझे लगता है कि शायद किसान आंदोलन का प्रभाव
और युवा वर्ग का जो बेरोजगारी का प्रभाव है और जो महंगाई का प्रभाव है, ये फेस करना, इसको सामना करना उनके लिए कठिन रहे। बीजेपी का उनको कितना सहयोग मिल रहा होगा? अभी स्थानीय स्तर पे जो सामने आई है बातें, तो बीजेपी के कोई जो स्थानीय नेता हैं, जिस प्रकार की सभाएं वहां हो रही हैं, उन सभाओं में उनकी सक्रियता उतनी नहीं है, ऐसा खबरें आ रही हैं, ऐसी जानकारियां आ रही हैं। और बहुत सी जगह ये जो आपस की भीतरघात है, आपस का जो पुराने और नए का जो एक अंतर है, वो स्पष्ट तौर पे भारतीय जनता पार्टी में पूरे हरियाणा में देखने को मिल रहा है। जी, तो आपको क्या लगता है, यहाँ क्या मोदी फैक्टर काम करेगा नवीन जिंदल के पक्ष में? क्या मोदी उनके लिए पक्ष में रैली करते हैं, और चूंकि ये लोकसभा का चुनाव है, इसलिए क्या मोदी के नाम पर वोट हासिल करके नवीन जिंदल जीत की राह प्रशस्त कर सकते हैं अपने लिए? ये जो जातीय समीकरण है, उन जातीय समीकरणों में जिस प्रकार से पूर्व के सांसद जो राजकुमार सैनी थे, वो अभी वर्तमान में उन्होंने समर्थन दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया था उन्होंने, और अब उन्होंने समर्थन दिया कांग्रेस को। तो सैनी समाज, अभी नायब सैनी वहां से सांसद हैं जो हरियाणा के, नहीं कांग्रेस को समर्थन दिया या आपको समर्थन दिया, गठबंधन को? कांग्रेस को आपको, दोनों उसी कैंडिडेट को, कांग्रेस को समर्थन उन्होंने जाके दिया, लेकिन वहां स्थानीय स्तर पे उसी गठबंधन के प्रत्याशी को समर्थन दे रहे। ठीक है, तो सैनी समाज एक तरह से बट गया है, और सैनी समाज एक मुश्त पहले एक ही तरफ वोट डालता था भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसीलिए वहां से सैनी दोनों बार चुनाव जीते हैं। अब मुख्यमंत्री भी सैनी है, क्या इसका कोई असर पड़ रहा होगा उधर? सर मुख्यमंत्री भी सैनी है जी, लेकिन आपके बट गई है ना, पिछली बार तो सैनी समाज, सिख समाज, कंबोज समाज, ये इस तरह के समाज थे जो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब के सैनी बट गया है, कंबोज समाज वहां बिल्कुल विपरीत है इनके, सिख समाज उनके विपरीत है, जाट समाज विपरीत है, तो ये बड़ी कठिन चुनौती है, और ये सीट वाकई ही बहुत कठिनाई में है। ये धनबल बहुत है जो नवीन जिंदल के पास, उसका असर वो दिखा सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? अपना प्रयोग तो वो करेंगे धनबल का, लेकिन जहां तक कुरुक्षेत्र है, ये न्याय की धरती है, न्याय होगा जी। अगली सीट पे चलते हैं, सिरसा, अशोक तंवर जी कांग्रेस से आए हैं और अब बीजेपी के उम्मीदवार हैं, क्या लग रहा है, क्या समीकरण है यहाँ पर, कितना उनके लिए चांस है, दल बदल का टैग उनके लिए कितना घातक होगा, और कांग्रेस की तैयारी कैसी? देखिए, कांग्रेस ये एक आरक्षित सीट है, और इस आरक्षित सीट में 8,30,000 के करीब अनुसूचित जाति के मतदाता हैं, और इन्होंने अशोक तंवर को पहले जिताया, अशोक तंवर पहले यहाँ सांसद रहे 2009, और अब के उसके बाद से अशोक तंवर का जो कार्य यहाँ इन लोगों के प्रति रहा, वो एक नाराजगी रही, उसके बाद अशोक तंवर को कोई ज्यादा समर्थन यहाँ मिला नहीं, फिर हार भी गए, उसके बाद वो टीएमसी में, आम आदमी पार्टी में होते हुए अब बीजेपी में आ गए। इस क्षेत्र में क्योंकि मेरे नजदीक है और बहुत फ्रीक्वेंट है मेरा आना जाना, इस क्षेत्र में जो लोगों के अभी प्रतिक्रिया है, वो अशोक तंवर को स्वीकार करने में उतनी साफ स्पष्ट नहीं दिखाई देती, और इसमें जिस तरह की कठिनाई अशोक तंवर को हो रही है, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जहां जहां उन्होंने सभाएं करने की कोशिश की, बहुत से गांवों में उनको वापस भेजा गया, किसानों का मुखर विरोध इन क्षेत्रों में है। अब जैसे अगर सीट की बात करें, जो फतेहाबाद की सीट है, फतेहाबाद की सीट के अंदर, टोहाना की सीट के अंदर जो ऐसे गांव थे जहां इनकी सभाएं थी, वहां बिल्कुल लोगों ने बहुत गंभीर विरोध और मुखर विरोध किया है, और उसमें इनको छोड़ के जाना पड़ा, और बल्कि एक दिन पूरा दिन इन्होंने अपनी कोई भी सभा किसी भी जगह पे अपने चुनाव क्षेत्र में नहीं की, उसको रोकना पड़ा। तो इस प्रकार का एक प्रतिक्रिया जो आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में और ये सारे समाज से उठ रही है, और दूसरी बात ये है कि जो कांग्रेस ने अभी तक अपना कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, और जैसे ही वो प्रत्याशी कांग्रेस के घोषित होंगे तब चुनाव और भी साफ हो जाएगा, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा लग रहा है कि ये सीट
बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से उनके पक्ष में जाती हुई दिखाई नहीं दे रही। अशोक जी, हम अपने दर्शकों को बता दें कि हरियाणा में चुनाव पांचवें दौर में है, पांचवें चरण में, जी छठे चरण में 25 मई को, बल्कि छठे चरण में, तो अभी वक्त है, इसलिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि सिरसा से किसको कांग्रेस उतार सकती, किनके नाम चल रहे हैं? देखिए, अभी बहुत तेज जो एक कयास ड्राइव लग रही अटकल है, और गत से एक नाम यहाँ सर्कुलेट हो रहा है, वो कुमारी शैलजा का है। और अगर कुमारी शैलजा को वहां से टिकट दे दी जाती है, वो पहले भी सांसद रही, उनके पिता भी वहां से सांसद रहे, उनका बहुत बड़ा आधार सिरसा क्षेत्र में है, क्योंकि वो हिसार उनका पैतृक जिला है और सिरसा में उनके पिता का कर्म भूमि रही, उनकी कर्म भूमि रही है, और उनका काफी बड़ा संगठन सिरसा में है। अगर वो नाम सामने आता और उनको टिकट मिलती है, तो फिर ये एक पक्षीय, एक तरह से कांग्रेस के पक्ष में जाने की पूरी संभावना इस सीट की। जी, अगली सीट पे चलते हैं, राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम से, गुड़गांव से चुनाव, पूर्व कांग्रेसी हैं ये भी जी, इनकी क्या स्थिति है? देखिए, गुड़गांव में अभी वर्तमान में आप देखिए कि एक क्षेत्र है नू, उसकी सीटें आती हैं नू, फिरोजपुर, पुनाना और सोना, जहां अभी ये जातीय दंगे होके हटे थे, सांप्रदायिक दंगे। उसके अलावा जी, हाँ, उसके अलावा जो दूसरी सीटें हैं गुड़गांव शहर की, बादशाहपुर उसके साथ लगता है, पटौदी साथ लगता है ना, और उसके बाद रेवाड़ी और पावर, वहां भारतीय जनता पार्टी, रेवाड़ी में तो खैर कैप्टन अजय यादव के बेटे जीते थे, बावल भारतीय जनता पार्टी के पास है, पटौदी भारतीय जनता पार्टी के पास है, गुड़गांव और सोना भारतीय जनता पार्टी के पास है, बाकी जो है कांग्रेस के पास है 4 सीटें। तो वहां अब के मुकाबला काफी कठिन होने जा रहा है, क्योंकि जो ध्रुवीकरण, हिंदू ध्रुवीकरण की बात इन्होंने करी थी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उसको बनाने की कोशिश की, और पिछले 10 सालों में जिस प्रकार की तकलीफें समाज का जो बड़ा वर्ग है, वोटर वर्ग है, वो झेल रहा है, और जिस तरह से मुस्लिम समाज और जाट समाज इकट्ठा हुए थे, अब के ये लगता है कि जो जाट समाज पिछली बार तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा था, वो अब के उनसे विमुख है, और वो मुस्लिम समाज के साथ, ये डिपेंड करता है कि वहां से कांग्रेस अगर अच्छा कैंडिडेट किसी को उतार देगी, तो ये सीट भी बहुत बड़ा कठिन मुकाबला देने वाली है भारतीय जनता पार्टी को, राव इंद्रजीत को। जी, क्या क्या यहाँ पर इश्यूज क्या हैं जो मतदाताओं को, जैसे आपने बताया कि जो सांप्रदायिक अभियान चलाया गया, गुड़गांव में भी बहुत सारी सांप्रदायिक घटनाएं हुई, और नूह का तो हम सब जानते हैं कि पूरा मामला क्या था, क्या सांप्रदायिक पोलराइजेशन से थक गए हैं लोग, या ये बीजेपी के पक्ष में जाने वाला है? देखिए, बीजेपी ने निरंतर इस प्रकार के प्रयास किए, अगर आपको याद हो तो गुड़गांव शहर के अंदर भी खुले में नमाज को लेके बार बार पिछले 10 सालों में बहुत घटनाएं हुई हैं, बहुत बार उनको रोका गया है शहर के अंदर भी, और मानेसर जो इंडस्ट्रियल एरिया वहां भी, और आसपास के इलाकों में, और वो बड़ा घटना हो ही चुकी है। तो यहाँ के जो प्रवासी लोग हैं, और वो कुछ हिंदू या भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका झुकाव जरूर है, जो यूं कह लीजिए कि जो श्रमिक वर्ग है और इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं ज्यादातर, लेकिन अगर ग्रामीण धरातल पे देखें तो ज्यादातर जो लोग हैं, ज्यादातर वो मेव और जा, ये दो बड़ा वर्ग है वहाँ, और उनके अलावा कुछ संख्या में अहीर हैं, और अहीर भी अभी तक पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते रहे, लेकिन अब के ये लगता है कि जो किसानों की समस्याएं रही, जो युवा वर्ग के मसले हैं बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके, और इन तरह की जो अलग अलग और भी मसले जो लोगों को तंग कर रहे हैं, उनके ऊपर ये जाकर आधारित होगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इसको ध्रुवीकरण की सीट बनाएगी, ये तय है, लेकिन ये देखना होगा। और अभी तक जो धरातल से संकेत उभर रहे हैं, उसमें ये जो यू कह लीजिए कि द्विपक्षीय है, भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदुत्व वाली बात, और जो विपक्ष क्या, है उसके लिए क्या, जगदीप जी, क्या इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो सत्ता विरोधी माहौल है हरियाणा में, वो
उसके सामने ये सांप्रदायिक लहर टिकेगी कि नहीं टिकेगी, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण टिक पाएगा कि नहीं। अगर पूरा एक मार माहौल बन जाता है तो फिर बाकी चीजें बेमानी हो जाती है, वो उतनी स्ट्रांग है कि नहीं जाएगा तो ये टिक पाएगा। जी तो इस बार कौन खड़ा हो रहा है यहाँ से? कैप्टन अजय सिंह यादव का नाम चल रहा है, कैप्टन अजय यादव का नाम भी है, रावदान सिंह का नाम भी चल रहा है, और ये देखना होगा कि इन दोनों में से कौन यहाँ बनते हैं, किनको टिकट दिया जाता है। ये अभी शायद एक दो दिन में कांग्रेस तय करने वाली है। और अगर कैप्टन अजय यादव आते हैं तो अहीर, जाट और मेल, ये अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर ध्रुवीकरण धरा रह जाएगा। और भले वो रावदान सिंह हो और भले कैप्टन अजय यादव हो। जी हम अगली सीट की तरफ बढ़ते हैं, भिवानी महेंद्रगढ़। धर्म सिंह जो पूर्व, धर्मवीर सिंह जो पूर्व कांग्रेसी हैं, उनकी स्थिति क्या है? धर्मवीर जी पिछले चुनाव के बाद से ही कहने लग गए थे कि मेरी चुनाव लड़ने की अब ज्यादा कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि काम ज्यादा होते नहीं है। और वो अपने बेटे के लिए भी ऐसा संकेत आ रहे थे कि अपने बेटे को स्थापित करने के लिए बार बार वो कोई संभावना को देख रहे थे इधर उधर, कि कहीं कोई संभावना निकल आए। और बार बार बीच में कयास ऐसे भी लग रहे थे कि शायद ये फिर चुनाव को देखते हुए और परिस्थितियों को देखते हुए कोई नई राह तलाश ले। लेकिन अब जब उनको टिकट वहां से दे दिया गया तो उन्होंने ये ऐसा कहा जाता है, ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने कहा है कि ठीक है, अब पार्टी ने कहा है तो चुनाव तो लड़ेंगे। लेकिन जो धरातल पे स्थितियां हैं उसमें उनके लिए, क्योंकि ये सारा एक साउथ हरियाणा का बेल्ट है जहां सबसे बड़ा मुश्किल किसानों को पानी को लेकर रही, और सिंचाई के पानी को, पीने के पानी का जो मसला है वो पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी यहाँ हल नहीं कर पाई। उसके अलावा किसानों के जो मुद्दे थे वो भी यहाँ हल नहीं कर पाए। और ये वो क्षेत्र है जहां किसान बहुल है, जाट बहुल क्षेत्र है। और अगर इसमें कुछ एरिया देखें तो उसमें अहीर जो क्षेत्र है वो भी आता है। और वहां भी जिस प्रकार से आपको याद होगा कुछ समय पहले जो नांगल चौधरी का इलाका है उस क्षेत्र में मनोहर लाल खट्टर जी को मुख्यमंत्री को रहते हुए घेराव कर लिया गया था, 6 घंटे के लिए नजरबंद कर दिया था उन स्थानीय लोगों ने। और मसला जो था वो बीज और खाद का मसला था। तो ये जो धरातल की जो कठिनाइयां हैं वो स्पष्ट रूप से अभी उग्र हो रही हैं और लोगों की प्रतिक्रियाएं वहां बहुत स्पष्ट हैं। और मुझे लगता है कि ये अब के अगर श्रुति चौधरी आती हैं या कांग्रेस से कोई और अच्छा कैंडिडेट वो देते हैं, हालांकि ये पारंपरिक सीट श्रुति चौधरी की है, बंसीलाल परिवार की है और जाट बहुल क्षेत्र है। तो और जैसे परिवर्तन का लोगों ने जिस तरह से मन बनाया हुआ है और जो धरातल पे एक बात चलने लगी है भारतीय जनता पार्टी के लिए और स्थान जो हरियाणा प्रदेश की सरकार के लिए, कि इन्होंने इनको पूरा समर्थन दिया लेकिन इन्होंने हमारी समस्याओं का समाधान करने के बजाय लोगों का कहना कि अति करने लगे हैं। जिस प्रकार से किसानों पे दमन किए गए, रोके गए उनके आंदोलन, तो वो एक सेंटिमेंट धरातल पे चल रहा है। और ये कितना उग्र हो जाता है जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, वो कितना उग्र होगा और परिवर्तन किस दिशा में बढ़ने लगेगा, ये अगले दो हफ्ते में पता लग जाएगा। तो रुख करते हैं रोहतक का। रोहतक में अरविंद शर्मा है, पूर्व कांग्रेसी, ये पिछली बार जीते थे बहुत ही कम मार्जिन से, 7,500 वोट से जीते थे और दीपेंद्र सिंह हुडा कैंडिडेट थे। तो इस बार यहाँ मुकाबला फिर दिलचस्प होने जा रहा है। ये तो सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी, ये स्पष्ट तौर पर कांग्रेस के खाते में जा रही है, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि पिछली बार का जो कड़ा मुकाबला था और जिसमें इतना थिन मार्जिन था और उसमें भी आरोप लगे थे कि वो बहुत लेट उसका निर्णय किया गया था उस गणना का, और उसमें आरोप लगे थे धांधली के, जो खैर वो उस कभी साबित नहीं हो पाए, वो अलग बात है। लेकिन ये जो इनका गृह क्षेत्र है और अब के जिस तरह से वहां सेंटिमेंट्स हैं, और देखिए ये वो क्षेत्र है जहां अग्निवीर योजना का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, दूसरा बड़ा प्रभाव पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम का पड़ने वाला, क्योंकि झज्जर, बेरी
रोहतक, किलोई, कोसली, ये वो क्षेत्र हैं जहां से मैक्सिमम एक्सर्विसमैन हरियाणा से जाते हैं। और यहाँ बार बार आंदोलन हुए हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके और अग्निवीर को लेके। तो और दूसरी बात यह है कि जो भूपेंद्र हुड्डा ने जिस प्रकार से विकास अपने कार्यकाल में रोहतक और इस क्षेत्र का विकास किया था, लोग उसको मानते हैं। और पिछले 10 सालों में ऐसा कोई खास समाधान इस क्षेत्र में अरविंद शर्मा ने नहीं किया। और अरविंद शर्मा के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो एक्सेसिबल नहीं रहे, और उनकी जो राजनीति है वो केवल और केवल स्वयं के लिए रही। अरविंद शर्मा के बारे में बता दूं कि वो डेंटिस्ट रहे और हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज में रोहतक में भी रहे, और वो अलग अलग पार्टियों से होते हुए भारतीय जनता पार्टी तक आए। उनको बड़ा अवसरवादी नेता माना जाता है। और अब के जो सेंटिमेंट्स हैं पूरे उस क्षेत्र में, वो एकदम से भूपेंद्र हुड्डा के पक्ष में, दीपेंद्र हुड्डा के पक्ष में है। हिसार में क्या सीन है? रणजीत चौटाला फिर पूर्व कांग्रेसी जी, रणजीत चौटाला की ये कभी कर्म भूमि नहीं रही। रणजीत चौटाला का हिसार से कोई ज्यादा संपर्क नहीं रहा, और अभी अवसर को देखते हुए, हालांकि काफी टाइम से इनकी महत्वाकांक्षा थी संसद के लिए, टिकट के लिए, और अभी दोबारा जब हरियाणा का मंत्रिमंडल बना तो उनमें फिर इनको मंत्री का दर्जा दिया गया। इनको मनोहर लाल खट्टर जी का बहुत विश्वसनीय माना जाता है, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि हरियाणा की हिसार सीट पे जिस प्रकार से वर्तमान सांसद विजेंद्र सिंह और चौधरी वीरेंद्र सिंह, उनके पिता जो भारतीय जनता पार्टी में 2014 में गए थे, उन्होंने जिस तरह से गठबंधन के जेजेपी और भाजपा के गठबंधन पे बार बार आक्षेप लगाए और फिर ये कहा कि अगर ये नहीं बनता रहेगा तो हमारे को निर्णय करना पड़ेगा, और विजेंद्र ने सबसे पहले भारत में निर्णय किया भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जब वो गए। तो हिसार की सीट में दो बड़े दिग्गज, जिसमें पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जो 6 महीने पहले से अपनी सीट तय माने बैठे थे, टिकट लिए बैठे थे, लोग आजकल यहाँ मजाक भी करते हैं, और दूसरे जो दिग्गज हैं जो भारतीय जनता पार्टी, क्या मजाक करते हैं अभी कैप्टन अभिमन्यु के बारे में? ये तो 6 महीने पहले टिकट लिए बैठे थे। अच्छा, घोड़ी पे तैयार बैठे थे, उतार दिया गया उनको घोड़ी से जी। और ये कि जो कुलदीप बिश्नोई हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार, भारतीय जनता पार्टी में गए थे, वो अपने बेटे को अब के मंत्री बनाना चाहते थे, उनको मंत्री नहीं बनाया गया, और राजस्थान की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम नहीं डाला गया, और इसलिए वो भी खफा है। और साथ में ये भी कहा जाता है कि ये हिसार की सीट पे इनको उतारा जाना, एक तरह से ये पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बड़ी राजनीतिक चाल है, जिसमें उन्होंने इन दोनों बड़े दिग्गजों को उनकी राजनीतिक हैसियत के बारे में ज्ञान करवा दिया जी। तो अब ये बताइए कि ये एक तो जेजेपी फैक्टर इन तमाम सीटों पर क्या असर डालेगा, किसको नुकसान पहुंचाएगा? देखिए, जननायक जनता पार्टी की स्थिति आज ये है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कल ही इस्तीफा दे दिया निशान सिंह ने, उसके अलावा उनकी महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव जो नारनौल से हैं, उन्होंने कल इस्तीफा दे दिया। आज एक बयान और आ गया, और वो बयान ये है कि अगर बड़े बुजुर्ग कहेंगे तो हम घर वापसी करने को तैयार है। यानी अगर ओम प्रकाश चौटाला कहेंगे और मनाएंगे तो जेजेपी वापस इनेलो में जा सकती है। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा कल जोगीराम सिहाग जो बरवाला से इनके सांसद थे, देवेंद्र बबली को अब जो टोहाना से इनके सांसद थे, और इनके और सांसद जो नरवाना से रामकरण काला हैं, और गुला से जो इनके सांसद ईश्वर सिंह हैं, ये चारों के चारों सांसद मनोहर लाल खट्टर के बहुत करीबी माने जाते हैं। तो अब ये कहने के लिए यहाँ बातें चल रही है कि पार्टी के बहुत से ऐसे विधायक हैं जो इनको
नहीं मानते, और रामकुमार गौतम है जैसे नालों से, उन्होंने बड़ा मुखर तौर पे हरियाणा की जो विधानसभा का सत्र था उसमें दुष्यंत चौटाला से उनकी तकरार हो गई थी, तो इनका कोई ज्यादा आधार अब बचता नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि जेजेपी कहीं इन चुनाव में कोई ज्यादा बड़ा अस्तित्व रखती है। जी अब मुझे बस मैं एक एक हाँ ना में जवाब दीजिएगा। कुरुक्षेत्र नवीन जिंदल की स्थिति क्या है, जीत सकते हैं नहीं जीत सकते हैं, या मुकाबला कांटे का होगा? नहीं जीत सकते, नहीं जीत सकते। सिरसा अशोक तंवर पूर्व कांग्रेसी, नहीं नहीं जीत सकते। गुरुग्राम राव इंद्रजीत सिंह, मुकाबला कांटे का है। धर्मवीर सिंह भिवानी महेंद्रगढ़, ये भी मुकाबले का है। अरविंद शर्मा रोहतक, वो तो नहीं, वो तो गई पक्ष, वो तो गई देवेंद्र। और हिसार सीट में कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो अभी जो रणजीत चौटाला है इनके कार्यालय में थोड़ी देर पहले ही मैं जाके आया था, तो वहाँ ऑलमोस्ट सन्नाटा है और कोई ज्यादा चहल पहल है नहीं, और चुनाव बिल्कुल ठट्टा है, और कांग्रेस के कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह का कैंडिडेट कांग्रेस देती है, वही चुनाव की दिशा तय कर देगा। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में इनके साथ मुझे लगता नहीं कि इनका रास्ता आसान होगा, क्योंकि इनकी भीतर घात ही इनको यहाँ डुबा दे। तो आपके हिसाब से 6 में से 3 सीटों पर क्लियर है कि बीजेपी लूज करेगी, 2 पर कड़ा मुकाबला है, तीसरे के बारे में अभी आप अनिश्चित हैं, कैंडिडेट पर निर्भर करेगा। तो आपके हिसाब से 6 में से 3 सीटें तो खो चुकी है बीजेपी इन 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 जहां तक इनकी बात है। जी, ये स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं धरातल से, और जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, जिस तरह से वो इनका विरोध कर रहे हैं, गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा, और शहरों में भी जिस तरह जो सामान्य नीचे का वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, उनकी अपनी प्रतिक्रियाएं भी आ रही है कि अति है जी। तो वैसे मैं अति है, परिवर्तन का मूड है, और दल बदलुओं का टैग है, निराशा है सरकार से, उसके कामकाज से, और बदलाव चाहती है जनता, इसलिए इस बार हरियाणा में परिवर्तन तो दिखेगा ही, किस पैमाने पर कितना दिखता है ये हम अभी बीच बीच में और भी इसका असेसमेंट करते रहेंगे। अभी जब कांग्रेस के कैंडिडेट्स भी अनाउंस हो जाएंगे तब एक बार फिर हम इसकी जांच परख करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जगदीप जी इस बातचीत के लिए, धन्यवाद आपका, नमस्कार। धन्यवाद।